कुम भगिया के आज के एपिसोड में प्रज्ञा मी अभी रूम में जाती है ये देखने के लिए कि अभी को होश आई या नहीं। दूसरी तरफ सल्ला दादी के पास आती है और दादी से कहती है कि आपने कब से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लें। इतने में दासी वहाँ आती है और दादी को ये न्यूज़ सुनाती है कि अभी ने प्रज्ञा का नाम लिया। ये सुनकर दादी बहुत खुश होती है और कहती है कि अभी की यादाश्त वापस आ गई है और दासी को गले से लगा लेती है। दूसरी प्रज्ञा अपने ख्यालों में गुम होती है। इतने में अभी को होश आता है और अभी प्रज्ञा से माफ़ी मांगता है, जिस पर प्रज्ञा को पता चलता है कि अभी की यादाश्त अभी तक वापस नहीं है। इतने में सल्ला वहाँ अभी को देखने आती है और अभी सल्ला से माफ़ी मांगता है, जिस पर सल्ला कहती है कि वो कभी भी प्रज्ञा को तुमसे अलग नहीं करेंगी। इतने में अभी ये याद करने की कोशिश करता है कि उसने बोझ होने से पहले किसका नाम लिया था, जिस पर प्रज्ञा पूरा अभी से कहते हैं कि तुम जरा जिन पर जोर न डालो, कहीं तुम्हारी सेहत फिर तुम्हारी तबीयत फिर ख़राब ना हो जाए। इतने में अभी प्रज्ञा से पूछता है कि उसे किसने किडनैप किया था, जिस पर प्रज्ञा अभी से कहती है कि किडनैप पर किसी और को किडनैप करने आए थे लेकिन वो गलती से मुझे किडनैप कर ले गए। तो उस वक्त मेरा उस शो का जा रही होती है। इतनी मारी उसे रोकती और कहती है कि अभी रुक जाओ, हमें पहले कन्फर्म करने दो कि अभी की यादाश्त वाकई वापस आई है या फिर ये कोई प्रज्ञा की चाल है। दूसरी तरफ दादी पूरब से पूरब को कॉल करती है, उसे पूछती है कि क्या अभी की यादाश्त वापस आई, जिस पर पूरब दादी को बताता है कि अभी की यादाश्त वापस नहीं आई। ये सुनकर दादी बहुत सैड हो जाती है। दूसरी तरफ आलिया दादी और दासी की बातें सुन लेती है और वो ये सुनकर बहुत खुश होती है।